अस्सलाम वालेकुम। ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज़ के तमाम नाज़रीन से मुखातिब है। हॉकी, क्रिकेट, कई सारी ख़बरें जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट की जीनत बनी पिछले 3 दिन में। कल अगर हम देखें तो तारीख़ में पहली मरतबा पाकिस्तान मेंस क्रिकेट टीम आयरलैंड के ख़िलाफ़ मैच हार गई। हिस्ट्री में पहली मरतबा ऐसा हुआ कि शिकस्त का सामना करना पड़ा पाकिस्तान क्रिकेट टीम को आयरलैंड के ख़िलाफ़। इस मैच पर भी हमने बात करनी है कि हम हैं कहाँ पर, वर्ल्ड T20 सर पर आ गया, हम हमारी तैयारियाँ क्या हैं, लोगों को पता है कि उनकी टीम क्या है, वो उनको मैचेस में प्रैक्टिस करा रहे हैं अपने उन प्लेयर्स को कि जिन्होंने वर्ल्ड T20 खेलना है। हमारे यहाँ तो खिलाड़ियों को उनके रोल का ही नहीं पता है, ओपनर कौन होगा, फास्ट बॉलर कौन होगा, स्पिनर कौन होगा, मिडिल ऑर्डर कौन होगा। कल बड़ी हैरत हुई कि जब आयरलैंड के कमेंटेटर्स बैठ के इस बात पे मजाक उड़ा रहे थे कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम कहीं से सेटल ही दिखाई नहीं दे रही है, अभी न्यूजीलैंड की भी एक यंग टीम के ख़िलाफ़ जो है वो सीरीज़ बराबर करके आ रहे हैं, जहां पर उन्होंने बहुत सारी चेंजेस किए। वो पाकिस्तान की 18 रुकनी टीम को भी डिस्कस कर रहे थे कि पाकिस्तान की तैयारियां क्या हैं, पाकिस्तान की तैयारियां। ये उस वक्त बात हो रही थी कि जब पाकिस्तान क्रिकेट टीम अच्छी पोजीशन में थी आयरलैंड के ख़िलाफ़, ये हारने के बाद बात नहीं हो रही थी, ये बात उस वक्त हो रही थी कि पाकिस्तान के प्लेयर्स को उनका रोल ही नहीं पता कि वो ओपनर है, मिडिल ऑर्डर बैटर है, बाबर ओपनिंग करेंगे, रिजवान ओपनिंग करेंगे, उस्मान ओपनिंग करेंगे, साहिम अयूब ओपनिंग करेंगे, मिडिल ऑर्डर में कौन आके बैटिंग करेगा। और फिर जिन्हें हमें चेक करना चाहिए, क्या हम उन्हें चेक कर रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल दिखाई देता है। रिजवान चेक्ड है, इसमें कोई शुबा नहीं है, रिजवान की परफॉर्मेंस बताती है, 3000 T20 इंटरनेशनल रन वो बना चुके हैं। बाबर हटे तो फिर रिजवान ओपनर चले गए, उस्मान अगर आएंगे तो वो 4 नंबर पे बैटिंग करेंगे या 3 नंबर पे बैटिंग करेंगे। भाई उस्मान को भी आप ऊपर के नंबर पे खिला के देख सकते हैं। आपने चेक किसको करना है? आपने चेक करना है आजम खान को, आपने आजम खान को मौका दिया। आपने उस्मान को चेक करना है, आपने उस्मान को मौका नहीं दिया। उस्मान को यहाँ मौके मिले इसमें कोई शुबा नहीं है, लेकिन वर्ल्ड T20 से पहले जिनको आपने ट्राई आउट करना है, बाबर आजम और रिजवान ट्राई आउट करने के लिए नहीं है, वो चेक्ड हैं, लेकिन जिनको आपने चेक करना है आप उनको भी प्रॉपर तौर पे चेक करते हुए दिखाई नहीं दे रहे। आप किस कॉम्बिनेशन के साथ मैदान में उतरना चाहते हैं ये अब तक क्लियर नहीं है। और वो जो दो कमेंटेटर थे वो ये भी हंसते हुए कहते हुए दिखाई दिए कि 18 रुकनी टीम अनाउंस कर रहा है पाकिस्तान, 15 तीन कौन से बाहर होंगे। मेरे ख्याल से सिलेक्शन कमेटी ने अपना काम खुद बढ़ा लिया, ऐसा लगता है कि, और जो डिज़र्व भी करते थे, आमिर की मैं बात करूं, अम्माद वसीम की मैं बात करूं, उस्मान की मैं बात करूं, लेकिन इन तीन खिलाड़ियों के आने के बाद ऐसा लग रहा है सिलेक्शन कमेटी यहां तक फंस गई है कि कौन होंगे वर्ल्ड कप में, कौन नहीं होंगे, अब उनकी प्रॉब्लम दिखाई दे रही है। यहीं आपका कमाल होगा। और फिर पाकिस्तान टीम कल हारी, आज एक प्रेस रिलीज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानिब से आई दो चार तीन लाइनों की के मोहसिन नकवी साहब चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डबलिन पहुंच गए हैं और पाकिस्तान टीम से मुलाकात, उन्होंने जाने के बाद पाकिस्तान के कोच से मुलाकात की, कप्तान से मुलाकात की और फिर शाम में खिलाड़ियों से भी उनकी मीटिंग तय थी। उनके जाने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा, ये वैसे एक सवाल है। देखिए टीम मैनेजमेंट बहुत इम्पॉर्टेंट होती है और मैनेजर की अगर मैं बात करूं तो मैंने बड़े बड़े मैनेजर्स देखे हैं जिन्होंने पाकिस्तान टीम को बहुत अच्छे अंदाज से हैंडल किया। शायद इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट को ऐसे ही मैनेजर की ज़रूरत दिखाई देती है क्योंकि एक पेज पे लग नहीं रहे, गो के बहुत हंसी मजाक भी दिखाई दे रहा है, बहुत खुशियाँ भी दिखाई दे रही हैं, लेकिन शायद एक पेज पर है नहीं। कहीं ना कहीं अंदरून खाना कुछ ना कुछ ऐसा चल रहा है जो पाकिस्तान की कौम जो उम्मीद लगा के बैठी है, वैसे उम्मीदें तो आप खुद ही दम तोड़ती हुई दिखाई दे रही हैं। आप आयरलैंड से हार रहे हो, आप मकसद है कि 182 रन बनाने के बाद आपकी बॉलिंग आयरलैंड से वो 182 रन बनवा देती है। एक तो आपकी टीम है ही 170-180 रन की टीम, उसके बाद आप 182 रन आपकी बॉलिंग बनवा रही है, नसीम शाह बनवा रहे हैं वहाँ पर आपके, शादाब तो खैर आप पता नहीं क्या, उन्होंने तो पूरी कौम को ही शादाब किया हुआ है जिस तरीके की वो क्रिकेट खेल रहे हैं पिछले कोई 1-1.5 साल से, समझ में नहीं आ रहा कि उनको क्या हुआ है। 54 रन दिए उन्होंने, 54 रन अपने 4 ओवर के अंदर दिए, जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्पिनर करार दिया जा रहा है। हम इनके साथ जाके खेलेंगे, हम इनके साथ जाके मुकाबला करेंगे, ऐसा लग रहा है हम मुकाबला आपस में कर रहे हैं। इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हम बार 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 कि थोड़े छोटे मोटे सोर्सेज हमारे भी होते हैं, कोई कितने भी ढक ले छुपा ले, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ हमारे भी लोग बैठे होते हैं, इतने सालों से हम भी ये काम कर रहे हैं और हम बार बार पहले दिन से ये अंदिया दे रहे हैं कि जब से आपने शाहिन शाह आफरीदी को कप्तानी से हटाया, जब से सूरत हाल टीम की मुख्तलिफ है, इवन कि वो सूरत हाल तो वर्ल्ड कप में मुख्तलिफ हो गई थी लेकिन उसके बाद से और ज़्यादा ख़राब हो गई। अब आगे क्या लग रहा है, ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ
पाकिस्तान की टीम है, लेकिन हम पहले एक शिकायत किया करते थे कि कराची के खिलाड़ी नहीं होते, कराची के लोग नहीं होते, और अब ऐसा लग रहा है कि फिर उसके बाद ऐसा था कि पंजाब की क्रिकेट बहुत स्ट्रांग हो गई थी, फिर उसके बाद केपीके की क्रिकेट बहुत स्ट्रांग हो गई थी। आज केपीके की क्रिकेट अगर आप देखें तो ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई देती है, वहाँ से प्लेयर ज़्यादा आता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या केपीके की क्रिकेट इस वक्त मर्ज है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको ज़रा समझने की कोशिश करनी चाहिए। ये पहले थी मर्ज, क्या ये अब भी मर्ज है? अगर ये मर्ज नहीं है तो फिर वो गर्ज होगी आपकी वर्ल्ड कप के अंदर के जो हैरान कन होगी। इसको कंट्रोल करने के लिए क्या किया आपने? वहाब रियाज को मैनेजर बना के, सीनियर मैनेजर बना के भेज दिया। आप किसी कर्नल नवेद अकरम चीमा की एग्जाम्पल मैं बार बार देता हूँ, बार बार देता हूँ। मैंने उन्होंने उस वक्त पाकिस्तान के मैनेजर का चार्ज संभाला था जब हमारे 3 खिलाड़ियों के ऊपर स्पॉट फिक्सिंग स्कैंडल के लगा था, और उसके बाद फिर उन्हें सजाएं भी हुई थी। उसके मुस्बा कप्तान बने थे और उन्होंने आके संभाला था टीम को, मैंने उनको संभालते हुए देखा। ऐसे और भी बहुत सारी एग्जाम्पल मौजूद हैं। आप उनको सीनियर मैनेजर बना के भेज रहे हैं कि जो इस टीम की आधे से ज़्यादा लॉट के साथ खुद क्रिकेट खेले हुए, आप मकसद है कि खुद कितना सीरियस ले रहे हैं? आप इतना भरोसा कर रहे हैं, इतना भरोसा कर रहे हैं कि बस मैं ये सही कर लेंगे? क्या उनमें कैपेबिलिटी आपको अब तक लगी सही करने की? अगर वो सही नहीं करेंगे तो फिर बहुत ही बड़ा डेबेकल होने वाला है वर्ल्ड T20 के अंदर, ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ। हमारी कौम को भी तैयारी रखनी चाहिए। आप देखें ना, आप न्यूजीलैंड की बी टीम के खिलाफ, सी टीम के खिलाफ अपने मुल्क के अंदर अपनी कंडीशन के अंदर मुश्किल से सीरीज बराबर कर रहे हैं। आप आयरलैंड में 3-0 जीत के कॉन्फिडेंस के साथ इंग्लैंड जाते हैं, आप वहाँ पहला मैच सीरीज का हार गए, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बहुत शिद्दत के साथ गलत दिखाई दे रहा है। दूसरी एक और चीज़ मैं यहाँ पर बता दूँ कि बिल्कुल रिलायबल सोर्स है, मैं बता रहा हूँ। आप जो हमारे नए डोमेस्टिक क्रिकेट के डायरेक्टर आए हुए, मैं आपसे इस सिलसिले में मुखातिब हूँ। आप ग्रेड टू क्रिकेट चैम्पियनशिप हो रही है, 22 के करीब डिपार्टमेंट पार्टिसिपेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ ये इत्तलात आ रही हैं और बहुत तगड़े सोर्सेस से आ रही हैं ये खबरें कि खिलाड़ी पैसे दे के टीमों में शामिल हो रहे हैं। अगर पैसे दे के खिलाड़ी टीमों में शामिल होंगे तो कौन सा टैलेंट इस मुल्क से निकलेगा? 35 लाख रुपए आप ने इंट्री फीस रखी है, 35 लाख रुपए कोई भी डिपार्टमेंट इंट्री फीस दे के आता है, वो अपने बोर्डिंग लॉजिंग खुद बर्दाश्त करता है, वो ग्राउंड की फीस भी देता है, वो बॉल की फीस भी देता है, वो सारी फीस देता है। उसके बाद पता चलता है कि वहाँ पे वो खिलाई उन लोगों को रहा है कि जो पैसे देते हैं। इत्तलात ये आ रही है कि एक मैच के 50,000 रुपये जो है वो कोई इस तरह की भी बनी हुई है सूरत हाल। इसको चेक करें नियाजी साहब, इसको चेक करें। आप डायरेक्टर डोमेस्टिक आए, आप अफसर रहे हैं, बड़े तगड़े किस्म के अफसर रहे हैं, तो ज़रा आप अपनी अफसरी इस तरफ दिखाएं। ये तो हमारी क्रिकेट ख़राब हो रही है, ये तो अजीब सिमत में चलती हुई दिखाई दे रही है। मैं अगर उन डिपार्टमेंट की जिनके सोर्सेज से नाम आए तो फिर मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, मैं सिर्फ इस चीज़ को ज़रा चेक करें, ये हमारी क्रिकेट को ख़राब करेगा। ग्रेड टू क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट क्रिकेट है, पाकिस्तान क्रिकेट के अम्ब्रेला में हो रही है, ये कोई इंटर स्कूल क्रिकेट नहीं हो रही है। और यहाँ पर अगर खिलाड़ी पैसे दे के खेलेंगे, यहाँ तक इत्तलात आई कि एक खिलाड़ी ने 6 मैच खेलने के 3 लाख रुपये दे दिए उसकी फैमिली ने जो है ना, तो अगर ऐसे क्रिकेट चलेगी तो फिर तो हम और मजीद जो है वो कम होते चले जाएंगे, नीचे आते चले जाएंगे। इन तमाम चीज़ों को देखने की बहुत ज़रूरत दिखाई देती है। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ अगर मैं बात करता हूँ तो पाकिस्तान की वेमेंस क्रिकेट टीम है, आज वो इंग्लैंड के ख़िलाफ़ मैच हार गई। जब हम वेस्ट इंडीज़ के ख़िलाफ़ अपने मुल्क के अंदर सीरीज़ T20 3-0 हारे, 4-1 हारे, तो यहाँ पर तो हमें हारना था। अब क्या मोहसिन नकवी साहब डबलिन से इंग्लैंड पहुंचेंगे वेमेंस टीम को समझाने के लिए? भाई आपका काम नहीं है, आपने भेजी, आप फ़ोन पे भी रिपोर्ट ले सकते हैं, आपकी मौजूदगी में क्या फ़र्क पड़ जाना है? खिलाड़ियों ने तो आपने सिस्टम ऐसा अंदर ड्रेसिंग रूम के अंदर क्रिएट करना है, ऐसे बुर्दवार शख्स को लाके बिठाना है जो सूरत हाल को हैंडल करने की सलाहियत रखता हो, जो जज कर ले तमाम सूरत हाल को कि कौन जो है वो किस मिजाज के साथ ड्रेसिंग रूम में बैठा हुआ है, कौन क्या सोच लेके बैठा हुआ है, इसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। यहाँ तो हमारी सूरत हाल बिल्कुल मुख्तलिफ है। हॉकी की भी ज़रूर कल हम प्रॉपर एक हॉकी पे शो करेंगे क्रिकेट के साथ, लेकिन वेल प्लेड पाकिस्तान हॉकी टीम, 21 साल के बाद आज हम जीतते जीतते रह गए। अजलान शाह हॉकी टूर्नामेंट, 3 मरतबा की वर्ल्ड चैंपियन, 4 मरतबा की ओलंपिक चैम्पियन, अब हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है, लेकिन ये लॉट अच्छा खेली है। इस लॉट को वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो पैटर इन चीफ हैं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के, इन बच्चों को तो पैसे भी नहीं मिलते, इनको डेलीज नहीं मिलती। या आप सोचें तो सही, पाकिस्तान नेशनल हॉकी टीम का खिलाड़ी
मैं एक डॉक्टर के पास बैठा हुआ था, लाहौर की मैं बात कर रहा हूँ। वहाँ उमैद यूसुफ पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हैं, डोमेस्टिक सतह पे खासा उन्होंने परफॉर्म किया। वो वहाँ पर बैठे हुए थे, वहाँ पे तीन नौजवान और बैठे हुए थे। मुझे ये जान के, ये देख कर बड़ी हैरत हुई, आप हैरान रहेंगे, वो तीनों नेशनल हॉकी टीम के प्लेयर थे। अहमद वसीम इतनी नहीं कोई खेले क्रिकेट, लेकिन वो काफ़ी हॉकी खेल चुके थे, लेकिन उनको कोई नहीं पहचानता था। लोग उमैद वसीम के साथ आके तस्वीरें बना रहे थे। जब ऐसी पता चला और उनसे गुफ्तगू हुई, तो पता चला कि एक ने जो है वो 90 मैच पाकिस्तान के लिए खेले हुए, एक ने 60 मैच खेले हुए, और उनको कोई नहीं जानता। वजह यह है कि हम तवज्जो ही नहीं देते। हमें तो उस खेल की जानिब तवज्जो होती है जहाँ पैसा ज़्यादा दिखाई देता है, बाकी चीज़ों की जानिब तो हम देखते हुए दिखाई नहीं देते। और उसके बावजूद कि हमारी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, इस मुल्क के अंदर दो पैरेलल एसोसिएशन पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन की बनी हुई है। एक बलूचिस्तान के सदर होते हैं, या शैला रजा सदर होती हैं, एक तरफ राणा मुजाहिद सेक्रेटरी होते हैं, एक तरफ हैदर हुसैन जो है वो सेक्रेटरी होते हैं। ये कौन सा मजाक हो रहा है खेल के साथ? जीत आप रहे नहीं, कुर्सी छोड़ने का आपको शौक नहीं, आप एक दूसरे की टांगे खींच खींच के आपने हॉकी खेल को कहाँ ले आके फेंक दिया है। कल ये क्रिकेट की भी सूरत हाल होने वाली है, इसको बहुत अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है, वरना जो स्क्वाश का हाल हुआ, जो हॉकी का हाल हुआ, कल ये क्रिकेट का भी हाल होगा। खैर, ये तमाम इशूज़ हमारे शो का हिस्सा होंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, एक बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड रहे, ज़बरदस्त किस्म की इनकी आई रही, कैप्टन रहे, टॉप क्लास क्रिकेट खेली, और उसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी। हमारे बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के एनालिस्ट हैं शेब हबीब भाई। शेब भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अहमद का, उनके बराबर में तशरीफ़ रखते हैं। पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, ये अब भी वेटरन्स क्रिकेट खेल रहे हैं और इम्प्रूव कर रहे हैं एज ए एनालिस्ट भी तेज़ी के साथ, आतिफ मकबूल, थैंक यू वेरी मच आतिफ, बहुत बहुत शुक्रिया। और जबकि अमेरिका से हमें ज्वाइन करेंगे शो की जान द 1 2 3 साजिद खान भाई हमारी। साजिद भाई, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। साजिद भाई, आपसे स्टार्ट लूँगा मैं। बड़ा अजीब सा लग रहा था, कमेंटेटर्स मजाक उड़ा रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट का, बड़े एक ऐसे अंदाज से वो गुफ्तगू कर रहे थे कि इस टीम का पता ही नहीं है, इस टीम के खिलाड़ियों को उनके रोल का नहीं पता। अब आप सोचें ज़रा, कप्तान को क्या खाक पता होगा कि जब खिलाड़ियों को ही नहीं पता कि मैं ओपनर हूं टीम का, या मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हूं, मैं 3 नंबर पे खेलूंगा या मैं 4 नंबर पे खेलूंगा, या मेरे फास्ट बॉलर कौन से हैं, मेरे स्पिनर कौन से हैं। साजिद भाई, ये कौन सा मजाक हो रहा है वर्ल्ड T20 से 15-16 दिन पहले? जी नसीब भाई, अस्सलाम वालेकुम। आपने तमाम चीज़ें इंट्रो में कवर किया। उस्ताद मोहतरम शेब हबीब भाई को अस्सलाम वालेकुम, आसिफ बकूल भाई अस्सलाम वालेकुम। बात ये होती नसीब भाई, मैं एक मिनट बात आपके प्रोग्राम से उन्होंने पहले एक बात कहते चलूँ, मेरे उस्ताद मोहतरम बैठे हैं शेब हबीब भाई, मैं एक बात करते चलूँ प्रोग्राम को आगे बढ़ाने से पहले। विल्स कब हो रहा था पिशावर में, तो रैम्बो, रमीज राजा, वसीम अकरम खड़े हुए थे, या लाइट बंग और पीआईए का मैच हो रहा था। आज मेरे उस्ताद मेरे सामने बैठे हुए, मैंने कभी ये बात नहीं की, मगर ये बात करना जरूरी हो गई जो क्रिकेट की हालत को देख के, डिपार्टमेंट की हालत को देखते हुए। मगर रमीज राजा ने उस वक्त वसीम अकरम से बोला, वैस ये शेब अभी बैठे क्या दिमाग है यार, क्या क्रिकेट नॉलेज है, क्या बात करता है, मैं तो बयान नहीं कर सकता। तो वसीम अकरम, मैं और रैम्बो खड़े हुए थे, तो हमें प्राउड महसूस करना चाहिए हमारे साथ ऐसे लोग बैठे होते हैं और ऐसे प्रोग्राम कर रहे हैं। और जो हमारा क्रिकेट बोर्ड फायदा लिया जरूर, मगर उस वक्त लिया जब पाकिस्तान क्रिकेट में लाइकिंग डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी था, मगर अब इतनी मुश्किलात क्रिकेट में हो गई है, ग्रुप बंदी हो गई, मगर बदकिस्मती से ऐसा वक्त आ गया है, हक दार को हक नहीं दिया रहा। मिसाल आपके सामने मौजूद है, कहने में मजबूरी हो गई, शेब हबीब साहब की मिसाल आपके सामने मौजूद है, जो पाकिस्तान के तमाम हॉकी क्रिकेट स्क्वाश बैडमिंटन के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे अलाइड बैंक में, जिसमें पाकिस्तान के सुपरस्टार खेलते थे। अगर हॉकी की बात करूं, बाजवा की बात करूं, राणा मुजाहिद की बात करूं, कि कितने खिलाड़ी जिस तरह रैम्बो और आमिर सोहेल, आकिब जावेद, सारे लोग बैठते, मगर हमारे क्रिकेट बोर्ड को नजर नहीं आ रहा। आपके पास तो 3 लाख की खबर है, मेरे पास तो 5 लाख की खबर है भाई, 5 लाख ग्रेड 2 दिए, दे दिए एक बंदे ने खेलने के लिए। बात ये हो रहा है हमारा क्रिकेट तबाह हो गया, कौमी खेल हॉकी का आपने इंट्रो दिया, कौमी खेल 1.5 साल इन बच्चों को पैसे नहीं मिले, 1.5 साल से पैसे नहीं मिले। मैं सलाम पेश करता हूं डॉक्टर वकार साहब को, जो लाहौर में जहां बैठे थे, उन्होंने, मैं बताना नहीं चाहता था, मगर उन्होंने इन बच्चों की हौसला अफजाई की, अपने पास से जो कर सकते थे उन्होंने किया। तो ऐसे डॉक्टर वकार मसूद साहब जो हमारे प्रोग्राम में भी आते हैं, तो ये भी बताना जरूरी है, ऐसे लोग हमारे
मुल्क में मौजूद है, मगर बात क्या हो रही है नसीब भाई, रोना आ रहा है रोना। पाकिस्तान क्रिकेट टीम तबाही की तरफ चले गई, तबाही की तरफ। 55 डॉट बॉले खेले हो और सियासी एक नया पीएचडी आ गया है जिसका नाम है फकर जमान, 19 बॉले खेलता है यार नसीम भाई। उससे पूछो तो किसके लिए खेल रहा है यार, जो आपने इंट्रो दिया है उससे ये तो पूछो नसीम भाई। आप पावरफुलों में 40 रन बनाते हैं, फिर आप पावर प्ले इस्तेमाल नहीं करते, फिर आपकी ग्रुपबंदी तो हेड बैंक की चोट पे। कौन कहता नहीं है ग्रुपबंदी यार, ग्रुपबंदी नहीं होती थी क्रिकेट एक कारकर्दगी होती। फिर आपकी बॉलिंग पाकिस्तान में फास्ट बॉलर करते हैं स्विंग होती है, जहां आयरलैंड में बॉलिंग करते हैं आपके बॉलर की स्विंग खत्म हो जाती है। फिर आपके दो लड़के जब रन आउट हो जाए, जिस टीम में 120 खेलों में दो लड़के रन आउट हो जाए तो क्रिकेट में मेरिट का कत्ल किया जाता है, हो जाता है। तो तमाम चीजें, ये चीजें बताने का मकसद ये होता है, मुझे बड़े दुख से कहना पड़ता है, रोना आता है। सदर पाकिस्तान आर्मी चीफ साहब वजीर आजम, खेल कौमी खेल, हॉकी तबाह हो गया, क्रिकेट को बचा ले। पूरी दुनिया में जिस तरह सोशल मीडिया में पाकिस्तान क्रिकेट की बेइज्जती हो रही है ना, एक्स क्रिकेटर एक्स कप्तान ग्राउंड में आ गए, रोडो में आ गए कहने के लिए भाई क्रिकेट को संभाले, क्रिकेट को बचाए। ठीक है, मोहसिन नकवी साहब की कोशिशों को हम सराहते, 1 लाख रुपए देना अच्छी बात, 1 लाख डॉलर देना, मगर क्या 1 लाख डॉलर डिजर्व करके हैं लड़के? नहीं डिजर्व करते। जो कारकर्दगी पाकिस्तान क्रिकेट टीम की है वो सवालिया निशान छोड़ के जा रही है, बिल्कुल सवालिया निशान छोड़ के जा रही है। और क्या अब कोई गिफ्ट विफ्ट भी जो है था, क्या चक्कर क्या आज तो उस्ताद मोहतरम के लिए बड़े जुमले कहे हैं साजिद भाई ने, और वाकई आप तो शेफ भाई डिजर्व करते हैं, लेकिन कोई, मैं तो वैसे ही कह रहा था कोई बरखुरदार को गिफ्ट विफ्ट तो नहीं भिजवा दिया। चले मैं आता हूँ इस पर आपसे और डिटेल में पूछूंगा गिफ्ट क्या था वो। लेकिन आतिफ मुझे ये बताइए, ये क्या क्रिकेट खेल रहे हैं हम लोग? अब आयरलैंड के खिलाफ भी हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा, तो हम वर्ल्ड कप में हम किस जगह पर होंगे, किस अंदाज से होंगे? हमारे खिलाड़ियों का अपना रोल नहीं पता, हमारे खिलाड़ियों को ये नहीं पता। आज तक हम आज की तारीख में यहाँ बैठे हुए और 5 मैच रह गए, 4 और 2 6 मैच रह गए बिफोर वर्ल्ड T20, हमें ये क्लियर नहीं है हमारा ओपनर, हमारा आगाज क्या होगा। तो बाकी अंजाम तो छोड़े, आगाज नहीं पता हमें। देखिए सर, मैंने आपसे लास्ट प्रोग्राम में और काफी प्रोग्राम्स में ये बात कही है कि जो चीज हम फील कर रहे थे शायद वो खत्म हो गई, लेकिन वो खत्म नहीं हुई है। अब वही चीज कंटिन्यू हो गई है, जो एक चीज है मैनेजमेंट की तरफ से मैं कह लूँ या कप्तान की तरफ से कह लूँ, कप्तान का बहुत अमल दखल होता है और जो है वो टीम को लेके चलना और 185 रन वो भी इस टीम के खिलाफ चेस करा देने, बड़ी बात है वैसे ऐसी कप्तानी की। मैंने आपसे फर्स्ट टाइम ही कहा था कि मुझे कप्तान क्या खुद बॉलिंग करेगा जाके? नहीं, आई मीन देखें उसे अपनी जगह पे, अगर आपके बॉलर्स आप खुद देखेंगे नसीम शाह 37 रन दे रहे हो अगेंस्ट आयरलैंड, आप बाकी तो हम नसीम शाह से ये एक्सपेक्ट करेंगे तो फिर आप जरा सोचे ना। दूसरी जानिब शादाब, अगर आप देखें शादाब खिलाए जा रहे हैं, आप खिलाए जा रहे हैं आप बाबर, और वो कह रहे हैं ना वो एक पावरफुल कप्तान नहीं है बाबर। अगर बाबर को पाकिस्तान की इज्जत का ख्याल होता तो वो प्योर फेवर टीम फेयर टीम खिलाते। आई मीन यानी कि शादाब को आपने कितना इस्तेमाल कर लिया यार, अब आप क्या चाह रहे हैं? वही बात आ गई, फिर हम बोलते हैं लॉबी रुजवान ओपनर से हटना नहीं चाह रहा, वो मैच बैठना नहीं चाह रहा, यानी कि शादाब खान। तो यानी कि ये सब चीजें हैं, अब ये कप्तान के हाथ में टीम सिलेक्शन, अब उसको अबरार जो मिस्ट्री स्पिनर है यार, कप्तान के हाथ में क्या है या कप्तान के साथ भी लोग मौजूद हैं? कप्तान के साथ लोग मौजूद है, मैंने आपसे कही थी कप्तान बाबर ऐसे नहीं बना, किसी वजह से बना है। अब इसको जो बातें कही जा रही है वही ग्राउंड में वो कर रहा है, जो बातें हम तो वही चीज करेंगे। क्या बातें कही जा रही है? देखिए मैं एक चीज जो मैं लास्ट टाइम भी प्रोग्राम में मैंने एक बात कही थी कि कुछ चीजें हैं जो वो हम आवाम को नहीं बोल सकते या आवाम को नजर नहीं आ रही, वो चीज हम एज अ क्रिकेटर हम इस चीज को फील कर सकते हैं। आप तो बोल रहे हैं, अब आपने कौन सी क्रिकेट खेलनी है? नहीं, आई मीन मैं इस सेंस में देखें जो बात है हकीकत है कि ये जो चीजें जो चल रही है ये चीज पाकिस्तान की फेवर में नहीं है, ये अपने लिए खेल रहे हैं, पाकिस्तान के लिए नहीं खेल रहे, जो बात है सीधी वही सिस्टम है। मैंने आपसे बात कही कि क्या ये कौन खेल रहे हैं अपने लिए? साइम, क्या साइम अयूब से ज्यादा सर्कल अच्छा खेल सकता है रुजवान? क्या उस्मान से ज्यादा अच्छा सर्कल खेल सकता है रुजवान? क्या फखर जमान से ज्यादा अच्छा खेल सकता है रुजवान? तो ये सब चीजें देखें, एक जनरल ओपनर है ही नहीं, उसको क्यों ओपनर बना रहे हैं भाई? वजह क्या है, रीजन क्या है? मेरी समझ से बाहर है कि आप उसको एज ए ओपन क्यों खिला रहे हैं। आप कोई सर्किल देखें, आप आईपीएल देख लें, ओवरऑल क्रिकेट देख लें, 170-180 से आगे नहीं, कुछ नहीं है। अगर रिजवान नहीं थे तो भी 180 बन रहे थे, रिजवान है तो भी 180 बन रहे। 3 दिन पहले 167 9 ओवर में चेज हुआ आईपीएल में, अब वो आप उसको मजाक, आईपीएल से ना मिलाए आप, आईपीएल तो आपको बता रहे हैं
क्रिकेट फॉर्मेट वही है, उसी फॉर्मेट से आईपीएल से भी आप देखिएगा दो से तीन प्लेयर। अब वैसे लोग ये वाकई सही बात है भाई, वहां पे 140-145 की रफ्तार से बॉलिंग भी हो रही है जिसको मार पड़ रही है। अगर वहां पे लोग कहते हैं बाउंड्री छोटी है, वो छक्के कोई को वो क्या मार रहे हैं, वो तो 90 मीटर के मार रहे हैं, 95 मीटर के मार रहे हैं, 100 मीटर के मार रहे हैं, तो आपकी अगर बाउंड्री छोटी भी है वो छक्का तो उठा के वो ग्राउंड के बाहर फेंक रहे हैं। बिल्कुल, क्रिकेट तो फेयर हो रही है ना, जो एक चीज नजर आ रही है, अगर 288 रन वहां बन रहे हैं तो 288 पे 15 रन से वो टीम भी हार रही है, इतनी यानी कि मॉडरेट क्रिकेट हो रही है कि नजर आ रही है एक चीज, एक क्रिकेट नजर आ रही है कि यार अगर 288 अंपायर हो गए उसका प्लान क्या है, 6 ओवर में उन्होंने 100 किया था, 6 में इन्होंने भी 100 किया, यहां पर वही क्रिकेट का सिस्टम चल रहा है, वही लॉबी सिस्टम चल रहा है, वही सारी चीजें चल रही हैं, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आनी। मैं समझ रहा था शायद मोहसिन नकवी साहब आए कुछ चेंजिंग आएगी, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कुछ चेंजिंग आएगी, हम वही वर्ल्ड कप में अभी उम्मीदें लगाएंगे पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान, लेकिन पाकिस्तान किसी जगह नजर नहीं आएगा। ये कहां पे नजर आ रहा है पाकिस्तान, जरा थोड़ा सा आप भी रोशनी डाले ना, वो साजिद भाई कह रहे हैं कि आपसे ज्यादा तो क्रिकेट कोई समझता ही नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, देखे साजिद ने हर दौर में एक वाकई, वो जो उसने कहता है ना कि मेरे फादर हैं, अब्बू हैं, उस्ताद हैं, हर दौर में उसने मेरी रिस्पेक्ट करी है और हर दौर में मतलब एक बच्चों जैसा किरदार अदा करा है, तो मैं साजिद को थैंक यू करता हूँ। ऑन ईयर वो कह रहा है तो बहुत बड़ी बात है। चल ये तो हो गई, देखें अब ये साजिद ने बोला या आतिफ ने बोला, इस तरफ तो मैं नहीं आऊँगा। PSL थोड़ी सी मैं PSL की बात कर देता हूँ, IPL की कर देता हूँ। इनको पता है अभी उसने क्या नाम है बम्बई कितने कितने रनों पे आउट हो गया, हारी है, कुछ पता है आपको? कम रन पे भी नहीं, नहीं मैं यही ना कि वो जो दो तीन मैच के 240 नजर आ रहे हैं उनके, तो भाई 22 मैचों में हुए 22, नहीं सुन लो ना, सुन लो 200 से ज्यादा स्कोर, 240 से 12 मैच ऐसे हुए, 22 मैच हो गए, 22 मैच ऐसे हो गए हैं कि आप 200 से प्लस के रन जा रहे हैं। और चलिए मैं भी फॉलो कर रहा हूँ, मैं अभी नहीं जाता। देखिये अभी आपने अपने इंट्रो में बात करी, मैं अभी ये मोहसिन नकवी पे और ये मैनेजमेंट पे आ जाता हूँ। आप दुहाई उनसे कर रहे हैं जो क्रिकेट की तबाही है, आपने दुहाई किससे करी कि मोहसिन नकवी साहब ये करेंगे, वो मोहसिन नकवी तो इस क्रिकेट की तबाही है। तो मैं जेशा से तो कहने से रहा, हाँ नहीं तो मैं वही मैंने तो नहीं कहूंगा, मैं यही तो कह रहा हूँ, आप दुहाई गलत आदमी से कर रहे हैं जो इसका मुजरिम है। अच्छा दूसरी चीज ये, अब अभी आपने जैसे बोला कि वो वहां कहां चले पहुंच गए, आयरलैंड, हाँ डबलिन, आप चार दिन पहले तो प्लेयरों से मिले, क्या करने गए? खाना भी खाया, हाँ खाना भी खाया, सब कुछ करा, बाय बाय भी करा, आप वहां क्या करने गए? उन्होंने एक मिनट यार प्लीज, आपकी और हार मेरी, मुझे बोलने देना, फिर आप बोल लेना, नहीं हाँ तो मुझे बोलने देना, साहब की बात कर रहा हूँ कि उन्होंने, अरे भाई तो मैं गई थी कि जीत, आप इनसे बातें कर लो यार, मैं नहीं, ये जीत आपकी है, हार मेरी है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, हाँ तो इनसे कर लो, मैं नहीं जी शेयर नहीं यार, ऐसे मैं ऐसे प्रोग्राम नहीं करना चाहता, सॉरी सॉरी इज ए साइन ऑफ वीकनेस, ओके 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 शेयर भाई, शेयर भाई नहीं, यू मीन आई मीन कोई ऐसी चीज नहीं होती यार मेरे सामने, नहीं हाँ आपका मकसद आपने बयान कर दिया, आपका मकसद टोटल गलत है, आप खुल के बोलते ही नहीं, आप 90% तो मैच फिक्सिंग कहते हैं, आप 90% तो आप ये कहते हैं कि ये मैच बना हुआ है, आप 90% ये सारी बातें करते हैं, बोलो खुल के। अच्छा चले अब मैं प्रोग्राम उधर से हटी जाता हूँ, बाबर और रिजवान को आपने कितने मैच हो गए जब से छेड़ा है, 11 मैच में आप कितने मैच जीते हैं, कितने जीते हैं, तो उन्होंने कौन से इवेंट जिताए यार, एक मिनट मुझे बोलने देना, उनकी हठधर्मी है कि भाई सीट चली जाएगी, हम यार मैं प्रोग्रामों में बैठना छोड़ दूंगा, दुनिया के जितने भी बड़े क्रिकेटर हैं उनके स्टेटमेंट सुन लो, सबने क्या बोला, अगर पाकिस्तान को जिताएगा तो रिजवान या मैं उनकी फेवर में नहीं बोला, राजा ने बोला और किसने बोला, मैं अभी चलो किसी भी क्रिकेटर का आप ये निकाल दोगे इनको टीम में नहीं होना चाहिए, एक सवाल कर सकता हूँ, मेरे से कोई सवाल नहीं करूंगा, मैं पहले बात कर लूं, सेकंड में आप आ जाइए, आपके पास है क्या, आपके पास ये कि रिजवान नहीं होना चाहिए, बाबर कप्तान नहीं है, वो भाई बाबर कब, बाबर सब कुछ कर रहा है, उसकी चल नहीं रही, आपने भी डिपार्टमेंट चलाया है माशाल्लाह यार, आप मुझे बताएं कि कोई अगर किसी प्लेयर भाई मेरे मुझे एबिलिटी नहीं होगी किसी कप्तान बनने की, तो आप कैसे बना सकते हैं, और बनाएंगे तभी जब वो आपकी बात सुनेगा, आप इसी वक्त कप्तान बनाएंगे जब वो मेरी बात सुनेगा, अगर ऐसा कप्तान बनेगा आप उसको टीम में बर्दाश्त नहीं करेंगे, आपकी सोच है, अब ऐसे ही हकीकत है, फेयर क्रिकेट यही है कि अगर आपने फेयर क्रिकेट खिलानी है, जी शेर भाई हाँ अभी आपने एक बात करी केपीके वाली, ये हकीकत है, ये जो आप कहना
क्या नाम है वहाब रियाज, ये केपीके की पावर को तोड़ने आया है। अब आप इसकी मैं एग्जाम्पल दे दूं, अगर किसी के बारे में कुछ कहना पहले एग्जाम्पल दें। उसने सबसे पहले आती किसको हटाया, शाहीन को हटाया। उससे पहले ये क्या कहते थे कि शाहीन से अच्छा कैप्टन नहीं है, यही जो आपकी मैनेजमेंट है, जो आपके कोचिस हैं, ये क्या कहते थे, बाबर को कप्तानी नहीं आती, बाबर माइनस है, बाबर को तो टीम में भी नहीं होना चाहिए, बाबर को T20 से। उन्होंने क्या करा केपीके की एक इस तरीके, अब ये बताइए जो इस वक्त सिलेक्शन कमेटी है उसमें केपीके का कौन मैं वो है सिलेक्टर, कौन है सिलेक्टर? सर आज से 14 साल पहले की लॉबी आई है ये 2010 वाली। यार इनसे प्रोग्राम कर लो, मैं नहीं आई मीन सर ये कह रहे 2010 वाली प्रोग्राम की लॉबी आई है ये सर। हाँ हाँ, आप इनके साथ सोलो प्रोग्राम कर लो, सोलो की बात नहीं, आप बताइए। नहीं मैं नहीं कर सकता, मैं ये इंपॉर्टेंट बात शिव भाई ने यहाँ पर रेज की है, इस पॉइंट को मुझे जरा रेज करना है, इस पे मैं बड़ा डिटेल में बात करना चाहूंगा ये सबसे अपने एक्सपर्ट से, क्योंकि शुएब भाई ने एक हवाला दिया है कि केपीके की ताकत को, केपीके की क्रिकेट को ताकत को कम करने के लिए वहाब रियाज को लाया गया। केपीके क्या पाकिस्तान से बाहर है या केपीके के अगर खिलाड़ी, मैं अगर आज कराची की बात कर लूं तो आज कराची और एक एक बात मैं और जितना प्लेयर आ रहा है वो मेट्रोविल से आ रहा है, वो कोरंगी से आ रहा है। अगर आप अपनी क्रिकेट को भी उठा के देखेंगे मोस्टली जो खिलाड़ी इस वक्त करंट लॉट में दिखाई दे रहे हैं वो तमाम के तमाम जो है वो वहीं से आते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके अलावा तो दिखाई नहीं दे रहे। नसीम साहब वो जो उन्होंने $1,00,000 अनाउंस करा डॉलर, वो भाई मेरे ये आपके सारे एक्सपर्ट भी क्या कह रहे हैं पाकिस्तान आएगा ही नहीं, तो कहा वो भाई अगर आपने अनाउंसमेंट करनी है ना, आप अनाउंसमेंट करेंगे सबको हमने परमानेंट जॉब दे देनी है, सबको हमने डिपार्टमेंट में परमानेंट जॉब देनी है, इनके मेडिकल फ्री करने हैं ये। और दूसरी चीज ये अभी जो आपने मुझे अभी पहले भी केपीके वाली बात करनी है डिटेल में, आपने पॉइंट इधर से उधर जाने नहीं दूंगा, मुझे आज क्लियर करेंगे आप ये बातें। ब्रेक के बाद वापस आता हूं तो मेरे नौरतन तो सबसे पहले आप है। ब्रेक के बाद ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आप शिव अभी भाई ने अभी एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात कही, मैं तो उसको जरा थोड़े से दूसरे अंदाज से कहने की कोशिश कर रहा था, शायद मेरा वो अंदाज नहीं था, लेकिन शिव भाई ने बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बात की कि केपीके की क्रिकेट को कमजोर करने की कोशिश हो रही है और ये टास्क मिला हुआ है। साजिद भाई इस पे जरा रोशनी डालेंगे, फिर मैं शुएब भाई से जरा पूछूंगा कि इन्होंने ये बात क्यों की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्योंकि ये पाकिस्तान की टीम है। पहले कराची वाले बैठे हुए थे परेशान कि भाई हमारे खिलाड़ियों को मौका नहीं मिलता। कराची इस वक्त 7 में से 5 टाइटल इस साल के जीता है, 2 के फाइनल खेल रहा है, कायद अजम ट्रॉफी से लेके नीचे जितनी क्रिकेट हुई है अंडर 13 अंडर 16, ये पाकिस्तान कराची की टीम, सिंध की टीम, नदीम उमर साहब जो इस वक्त प्रेसिडेंट है उनकी सरबराही के अंदर जीती है, जो एक रिकॉर्ड है और इस रिकॉर्ड का कोई भी मुकाबला नहीं है कि 7 इवेंट हुआ उसमें से 5 जीते और 2 में शिकस्त हो और सिंध और कराची का लड़का ही दिखाई ना दे। जनाब साजिद भाई बहुत शुक्रिया। नसीम भाई नदीम उमर साहब का तो नेबल बता नहीं है, 40 साल से मुल्क की खिदमत कर रहे हैं, एशिया की सबसे बड़ी नर्सरी के सदर हैं, 7 टूर्नामेंट जीते हैं, कजन ट्रॉफी 2020 और बेइंतहा क्रिकेटर सरफराज अहमद 1000 रन बनाते हैं, 27 कैच करते हैं, कजन ट्रॉफी 10 साल बाद कराची को जिताते हैं, 2020 10 साल बाद कराची इंटरनेशनल स्टेडियम कराची में जीतती है। तो बात ये होती है हॉकी को जब मुश्किल होती है, हॉकी को कोई फंड नहीं दे रहा होता तो नदीम उमर साहब पाकिस्तान में फरन पे आते हैं, हॉकी को अपनी जाती कमाई से पैसे देते हैं, हॉकी को जिंदा रखते हैं, फुटबॉल को देता है, कोई तो हमें क्रिकेट नहीं हो रही होती, वुमेन्स की क्रिकेट कराते हैं, कोई तो हमें क्रिकेट को जिंदा रखते हैं, मगर ये सारा चेहरा नदीम उमर साहब को जाते हैं, सिर्फ एक ही है पाकिस्तान में, पाकिस्तान के सदर पाकिस्तान वजीर आजम आर्मी चीफ साहब नदीम उमर साहब की खदमत का फायदा ले और डंके की चोट में लेना चाहिए, ऐसे लोग हमारे मुल्क में मौजूद है। मगर जो सर ने बात की शेख अभी भाई ने बिल्कुल सही बात की, हॉकर सच की बात की, पहले केपीपी का डंके की चोट में डंका था, जो भी प्लेयर जो भी ऑफिशियल, अब्दुल रहमान की बात करो, रिजवान को अब्दुल रहमान पसंद था तो आप देख ले, मुल्तान सुल्तान में भी आप देख ले, मुल्तान सुल्तान में हेड कौन था, अम्माद वसीम और वसीम था, तो चलती की स्थिति अब्दुल रहमान की चलती थी। पाकिस्तान की बदकिस्मती देख ले, अब्दुल यूसुफ के और मोहम्मद यूसुफ के होते हुए पाकिस्तान के हेड कोच है अब्दुल रहमान कोच है, और करता में करता था कौन था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, जाकिर खान थे, जाकिर खान बड़े माजरत के साथ, दो साबिक कप्तान जो फ्रंट पे आ गए 2009 के, उनका ताल्लुक केपीपी से, तो खुदा के वास्ते दोनों कप्तान आपको सरफराज अहमद नजर नहीं आ रहा, सरफराज अहमद की कोशिश नजर नहीं आई जिस
जिसने चैंपियंस ट्रॉफी जिताई, जिसने पाकिस्तान क्रिकेट को एक जगह किया और जिसने वर्ल्ड रैंकिंग में लगाया, तो जंग लव साइड आफरीदी साहब, आप सरफराज के लिए भी कह सकते थे, सरफराज के साथ क्या मैरिज का खत्म नहीं हुआ और आपके होते में हुआ है, आपके होते में हुआ है, आप चीफ सिलेक्टर थे, उसने रिकॉर्ड ब्रेक कर दी पाकिस्तान की क्रिकेट में, आपने ओडीआई उसके खा गए, नो ओडीआई, तो आपने कौन सा इंसाफ कर दिया शाहिद आफरीदी साहब? लेकिन सरफराज को टीम में तो शाहिद आफरीदी ही लेकर आए थे, आपको याद होगा उस वक्त टेस्ट टीम का जो हिस्सा बनाया था वो शाहिद आफरीदी चेयरमैन थे, हारून रशीद उस सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा थे जब सरफराज का कमबैक हुआ था टेस्ट टीम के अंदर। एक बात मैं आपको कह रहा हूँ कि जहाँ पे कई गलत होता है तो वहाँ पे जो सही हो तो शाहिद भाई हमें वो भी साजिद भाई बात करनी चाहिए। आतिफ जी जो अभी बात कही है शुएब भाई ने बहुत इंपॉर्टेंट बात कही है, देखिए यही रिफ्ट की वजह है, अब मैं बार बार जो पिछले 3 महीने से 2 महीने से बात कर रहा हूँ उसकी वजह ये बनी है, क्योंकि जब सोचना भी मना है एक थीम चल रहा था, वो सोचना मना एक डिफरेंट थीम था, अब कुछ भी सोच सकते हैं यहाँ। इस वक्त की सूरत हाल में चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड को उड़ के डबलिन जाना पड़ रहा है पहले मैच के शिकस्त के बाद। जनाब देखें जिस तरह से 2 साल से बाबर ने कप्तानी की, पिछले दो साल की कप्तानी में आप देख लें जो एरर आया उसमें क्या सीन रहा था कि वो आप वाली बात के सोचना ही मना है और बहुत कुछ यानी कि मामला नजर आए, तो अब जो आगे जिस तरह से चेंजिंग आई है, ये बाबर दोबारा कप्तान जब आया तो ऐसे नहीं आया, वो किसी वजह से आया, वही शुभ वाली बात कि वो लॉबी तोड़नी है और वो जो लॉबी है उसको तोड़ने के लिए वो पूरी कोशिश हो रही है। शाहीन को कप्तान हटाया, पहली बात ये थी, अगर एक ही सीरीज में इस तरह से कप्तानी चेंज ही करनी है तो फिर इस तरह से अभी बाबर भी तो बहुत वो उस न्यूजीलैंड वाली ने या यूनुस खान ने अगर बाबर के बारे में बात कही तो आप मुझे बताएं उसने क्या बात कही, लाला ने क्या बात गलत कही, उन्होंने कहा कि बाबर आजम इतने अरसे से लीड कर रहे हैं, बाबर आजम को अब चाहिए कि कई टाइटल भी जीते हैं पाकिस्तान के लिए, कई वर्ल्ड टाइटल में कप्तानी कर चुके हैं, या यूनुस खान ने बात कही कि आप अपने सीनियर से मशवरा करें, तो इसमें क्या उन्होंने गलत बात कही है? इंशाल्लाह जिंदगी रही, मैं भी यहाँ हूँ, आप भी यहाँ हैं, आपको भी जिंदगी दे, शोएब भाई को भी, सबको, आमीन आमीन। ये बाबर कोई टाइटल नहीं जिता सकता, यह बात मेरी आज आप लिख लें, क्योंकि उसमें एक चीज एबिलिटी है ही नहीं कप्तानी वाली, तो वो कप्तानी कैसे कर सकता है, किससे करवाएं कप्तानी? क्योंकि देखिए कप्तानी का सबसे मेन रोल आता है बॉस, जो सबसे मेन चीज आती है ना वो आती है टीम सिलेक्शन। देखें टीम सिलेक्शन, अगर वो अगर टीम से पाकिस्तान से सेंसियर होता और फेयर होता ना तो वो अबरार को पहला मैच, क्योंकि अबरार मिस्ट्री स्पिनर है, अबरार का एज अ स्पिनर खेलना बनता है यार। शादाब को 2 साल से तुमने इतना यूटिलाइज कर लिया, उसकी क्या परफॉर्मेंस है, आप बार बार उसको खिला रहे हो, बार बार उसको खिला रहे हो, फिर आपने पहला मैच ओपन कराते ना, फिर पहला मैच आपने जो है उसको मोहम्मद आमिर को बिठा दिया, रेस्ट करा दिया, वो किस वजह से कराया भाई, क्या परफॉर्मेंस थी, जो क्या बेस थी जो आपने उसको रेस्ट करा आमिर दिया? आमिर पहुंचे नहीं थे ना, आमिर का वीजा नहीं मिला था, आमिर का वीजा लेट पहुंचे, आमिर अगले मैच में अवेलेबल होंगे। शुएब भाई आप जरा आ जाएं आप इस पे, शुएब भाई सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं कि सैयद फराज अकबर शाह साहब ने एक मुझे अभी मैसेज किया कि मेरा एक शुएब भाई को झुक के सलाम दीजिएगा और कहिएगा कि मैं आपका फराज भाई, आप देख लें मैं आपका छोटा भाई हूं, अस्सलाम मेरे छोटे भाई, मैं आपका छोटा भाई हूं और आप मेरे बड़े हैं, बस ये जी। अब शुएब भाई अब जरा आ जाएं जरा इस बात पे जी। देखें मैं आपको और थोड़ी सी मिसाल दे दूं, केपीके के प्लेयरों की पावर तोड़ने के लिए देखें पाकिस्तान में कोई नहीं है, रजाक का कहां से ताल्लुक है, लाहौर, यूसुफ का कहां से ताल्लुक है, लाहौर, वहाब रियाज का कहां से ताल्लुक है, लाहौर, कराची का सबसे सीधा बंदा कौन है, असद शफीक, उसको ले लिया, बाकी कोई केपीके वगैरह इधर उधर कोई नहीं था। अच्छा अब ये जो शाहीन को मीठी मीठी ये गोलियां दे रहे हैं ना, ये शाहीन पे भी तलवार चलाएंगे, शाहीन पे किसको ला रहे हैं, मोहम्मद आमिर पे, चलो ये मैंने शाहीन जो परफॉर्म कर रहे हैं शाहीन को कौन रोकेगा, शाहीन की परवाह बहुत बुलंद है, बिल्कुल बिल्कुल, नसीम शाह जरा फिकर करें, मैंने इनकी सोच बताई और मैं जो आपका इंट्रो में सवाल था मैंने उसका जवाब दिया। अच्छा आप क्रिकेट पे तो क्रिकेट ही की बात करें, आपने ग्रेड टू की बात करी है कि 35 लाख रुपए एंट्री फीस ली है और वो भाई सबसे पहले तो आप एंट्री फीस 35 प्राइवेट दे क्यों रहे, आप उन लोगों को दें जो परमानेंट है, आप उनको एंट्री दें जिनके परमानेंट लड़के हैं, आप कहां हैं किसी के लड़के यार, जो डिपार्टमेंट 35 लाख रुपए एंट्री देगा तो इसका मतलब वो इंटरेस्टेड है ना, अगर आपने डिपार्टमेंट के नाम सुने जो हाँ तो ये सब बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से आए हैं, ये तो पैसा कमाने, क्रिकेट कराने तो नहीं है, क्रिकेट कराने मैं इसी तरफ तो आ रहा हूँ ना, मैं आपको जो चीज बताना चाह रहा हूँ वो भाई आप उन सबसे पहले अगर आप जिसको भी जिस डिपार्टमेंट को ग्रेड टू खेलने की परमिशन दे रहे हैं सबसे पहले रिक्वायरमेंट
ये रखें कि आप लड़कों को परमानेंट जॉब दें, परमानेंट जॉब वही पार्टिसिपेट करेगा जिसमें लड़कों की परमानेंट जॉब। मिसाल ये तो बड़ा अच्छा बिजनेस निकाल दिया, 35 लाख रुपए मैं देने के लिए तैयार हूँ, मुझे पब्लिसिटी मिलेगी, मैं 35 से पता नहीं कितने करोड़ रुपए बना लूंगा। तो ये तो पीसीबी खुद चीटिंग सिखा रही है, खुद चीटिंग मैं समझता हूँ ये गलत कर रही है, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है जो असल चीज है। देखिए पास तो रिपोर्ट थोड़ी कम है, मेरे पास रिपोर्ट ज्यादा है, 20-20 लाख रुपए दिए जा रहे हैं 6 मैचों के। तो नाम ले देना यार, तो नाम क्यों नहीं लेते आप? ये आप मैं यही तो मैं कब से इस प्रोग्रामों में आ रहा हूँ, जहाँ पाकिस्तान फिक्स मैच है, इसने ये ले लिया, इसने ये ले लिया। ओ भाई अच्छा भाई अच्छा, आप नहीं मानते, कसम खा के बोलते हैं कि आप इस चीज को नहीं मानते कि ये चीज नहीं है। खुदा की कसम मैं वजू से बैठा हूँ, मैं नहीं मानता। बस वो आपकी सोच है, खैर मेरी सोच है, मुझे जो नजर आता है मैं तो वो मैंने तो यहाँ बैठे हुए आपने पूछा शुएब भाई इस मैच में क्या होगा, कितनी दफा पूछा है, मैं तो यहाँ बैठा हूँ ना। आपने तो मुझे तो लगा ताल्लुकात तो आपके ही है, आपने जो बोला वही सही हुआ। हाँ तो तुम जिनसे भी ताल्लुकात, तो चलो ये मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ। हाँ, तो ये थोड़ी कि हर मैच को आपने फिक्स कर दिया है, हर लड़के को आपने कह दिया ये इन्वॉल्व है, ये दिस इज रॉन्ग यार। इन्वॉल्वमेंट है, ऐसा नहीं है। चलिए ये इसमें इस पे और डिटेल में बात होगी। देखें असल में क्या के खेल पे इतने इल्जाम लग गए कि उसके बाद शक की निगाह से देखा जाता है, वो गलत है यार। लेकिन भाई ये मेरा भी रोजगार है, ये और भी सारे लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर, लोगों को पता ही नहीं होता, बड़े मजे से कह देते हैं वो भाई प्रूफ दें। अगर अब जिस तरीके से आप कह रहे हैं, जिस तरीके से ये ऑन ईयर कह रहे हैं ना इन्वॉल्व है, अभी आके कोई इनसे बोले अच्छा जी प्रूफ दें, अगर प्रूफ मिल जाए तो फिर वो बहुत से लोग बीच में आ जाएंगे शुएब भाई। अबे तो शुएब भाई से क्या कह रहा हूं? नहीं आई मीन बात यही है कि भाई को कि मैं आपको ये चीज बता रहा हूँ कि मैं तो मुझे अंदाजा है, मैं समझता हूँ। शुएब भाई क्या बीच में आ जाएंगे, क्या मकसद है आपने बोला शुएब भाई बहुत लोग बीच में आ जाएंगे? नहीं बस छोड़े इस चीज को, बहुत जो हकीकत है वो नजर आ रही है चीज। मैं ओपनली एक चीज देखिए, मैं एक बात देखिए, मैंने एक बात बोलूंगा आज आपको, आज मैं एक आपको बोल देता हूँ का प्रोग्राम होगा मैं नहीं। एक चीज देखें जो क्लियर है वो एक मैं बात बोलता हूँ, रिजवान और बाबर ओपन रहेंगे या बाबर या रिजवान ओपन आएगा, ये तो कभी भी 40 रन से ज्यादा रन नहीं बनेंगे पाकिस्तान। ये तो हम बहुत अरसे से कह रहे हैं, और ये वाकई आतिफ की ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आतिफ इस बात को जरूर देखिएगा जो शुएब भाई ने बात कही है, वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट है। थैंक यू वेरी मच शुएब अभी भाई, आतिफ भाई बहुत बहुत शुक्रिया, एंड साजिद भाई द 1-2-3 थैंक यू वेरी मच। पाकिस्तान क्रिकेट टीम कल दूसरा मैच खेलेगी अगेंस्ट आयरलैंड, हम उम्मीद करते हैं कि ये सीरीज जीतने के बाद आप इंग्लैंड जाएंगे। खुदा ना खास्ता अगर इस सीरीज के अंदर कुछ 19-20 अल्लाह ना करे हो गया तो आप किस सलाहियतों के साथ जाएंगे, और सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपकी सलाहियतें गैदर होनी चाहिए, एक जगह पे मिलके लड़ने वाली होनी चाहिए जो दिखाई नहीं दे रही अल्लाह ने के बाद।